गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मी इमान एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन आप सबके साथ सरप्राइज रिवील करना है मैंने, और वो सरप्राइज था मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं पाकिस्तान। और अभी हैं जी हम लंदन हीथरो टर्मिनल 4 पे। हमारा चेक इन, हमारा सिक्योरिटी चेक सब कुछ डन हो गया है, हमारे बोर्डिंग पासेस हमें मिल गए हैं और अभी हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं अपने गेट के लोकेट होने का। वो सामने फ़्लाइट इंफॉर्मेशन बिल्कुल सामने ही लगा हुआ है, और जैसे ही हमें अपनी फ़्लाइट का जो गेट नंबर है वो पता चलता है फिर हम अपनी फ़्लाइट की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल सामने WH स्मिथ है, यहाँ से हमने थोड़ी बहुत चॉकलेट्स भी ले ली हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम जो है वो इनफ था। और ये रहा हमारा हैंड लगेज, ये 2 से 3 बैग जो है वो हम अपने साथ फ्लाइट में जो है वो लेके जाएंगे। अभी मैंने अपनी वाइफ के लिए पानी की बोतल ली है और अपने लिए एक चॉकलेट ली है। गाइज अभी हमें अपना गेट एलोकेट हो चुका है, अभी हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं और प्लेन में बैठ के मिलते हैं। ये रहा जी हमारा प्लेन बिल्कुल सामने खड़ा है और अभी चलते हैं इस पे बोर्ड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस फाइनली मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ और मैंने एडवांस में विंडो सीट बुक करवाई थी सिर्फ व्लॉग के लिए, और बड़ा अच्छा और साफ सुथरा प्लेन है। ये व्यू देखें जी विंडो से। सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ अपनी सीट का टूर। तो ये है इसकी छोटी सी मिनी सी प्यारी सी स्क्रीन, अभी देखा नहीं है मैंने इसके अंदर क्या क्या मूवीज़ वगैरह है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। ये एक रिमोट है गेमिंग वगैरह के लिए, और ये ट्रे है जैसे कि नॉर्मली हर ट्रेन पर होती है। ये पिलोज़ मैंने हीथरो एयरपोर्ट से लिए हैं ताकि थोड़ा बंदा फ्लाइट के दौरान रेस्ट भी करे। अच्छा जी मैं फ़्लाइट इंटरटेनमेंट जो है वो चेक कर रहा था कि इन्होंने इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी और यानी कि पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ दी हुई हैं जो अच्छे दौर की मूवीज़ थी। देखें जैसे गब्बर इज़ बैक, कोई मैं झूठ नहीं बोलता, सिंघम, बॉडीगार्ड, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं इसमें। मौसम भी अब साफ़ हो गया, जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था लेकिन अब मौसम जो है वो साफ हो गया। फ़्लाइट टाइमिंग है तकरीबन 8:35 और अभी तकरीबन 8:05 हो रहे हैं, आधा घंटा है फ़्लाइट में, सो अब चलते हैं इंशाल्लाह। चलें जी फ्लाइट बिल्कुल टाइम पे है और पुश बैक जो है वो शुरू हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। ट्रैवल सीख है तो मैंने ये किया है कि उन दोनों सीटों में से हैंडल को ऊपर उठाया है और फिर उनको जो है वहाँ पे लिटा दिया है कि आप सो जाएं ब्लैंकेट वगैरह लेके, अभी वो सो रही हैं और मैं बैठ के खेल रहा हूँ गेम और ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ।
अच्छा जी गाइस, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट आया है। ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ फ्रूट्स, मीठे में आइसक्रीम और एग विद चिकन सॉसेजेस लिया है और ऑरेंज जूस है। तो कतर एयरवेज का सारा मेन्यू जो है वो हलाल है, तो आप जो है वो बिला झिझक कुछ भी लेके खा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ जो है वो थोड़ा ट्रैवल सिक है, तो उसके लिए मैंने ये आइसक्रीम और कुछ फ्रूट्स लेके रख ली हैं और एक पानी की बोतल ले ली है। सो वो कुछ ज़्यादा नहीं खाएगी वरना से वॉमिट आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत उसे खाना चाहिए, बिल्कुल भी भूखा ना रहे। सो कुछ फ्रूट्स खा के जो है वो अपना सफ़र करें। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम आलमोस्ट कतर पहुँच चुके हैं और जहाज़ लैंड करने वाले हैं। ये देखिए आप, अभी ना कान बंद होना शुरू हो गया क्योंकि लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया और सीट बेल्ट लगा ली है और चलें लैंड करते हैं और फिर जल्दी से प्लेन चेंज करना है। गाइस ऑलमोस्ट रीच दोहा और सनसेट देखें, कितना ब्यूटीफुल सनसेट है बाहर। वाओ, नीचे से दोहा सिटी भी थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गई है। सो अब मिलते हैं आपको लैंडिंग के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम कतर एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं अपने गेट की तरफ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। दिस इज़ मी अमान एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पहुंच चुका हूं। पाकिस्तान पहुंचते हुए मुझे तकरीबन आज 2 दिन हो चुके हैं। जो व्लॉग मैंने प्लेन में बनाया, रास्ते में आते हुए जो व्लॉग बनाए, उसके कुछ क्लिप्स जो है वो मुझसे डिलीट हो गए थे, जो मैं अपने व्लॉग में जो है वो नहीं शामिल कर पाया। और उसके वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं वो व्लॉग अपलोड करूं या ना करूं। और इसी कश्मकश में ना मैंने बाकी के 2 दिन में भी व्लॉग नहीं किया और वो भी मेरे 2 दिन ज़ाया हो गए हैं। और फिर मैंने सोचा कि चलें वो व्लॉग डालता हूं और थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आपको कि मुझसे वो क्लिप्स थोड़े डिलीट हो गए और जो जो क्लिप्स थे वो मैं डाल के एक व्लॉग बना दूँगा। Shut up.